नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम करने वाले हैं चार बंदों को निसान मैग्नाइट में बिठाने के बाद एक टेस्ट। अभी हम इस गाड़ी को हाईवे पे लेके चलेंगे और मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि चार बंदे बैठने के बाद गाड़ी की क्या परफॉर्मेंस होने वाली है। हाईवे पे अभी टोटल रन करेंगे गाड़ी का, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि गाड़ी अंडर पावर तो नहीं है। हमारे साथ गाड़ी के ओनर हैं, यही गाड़ी को ड्राइव करेंगे और आपको एक रियल और जेन्युइन रिव्यू देने के लिए तैयार हैं ओनर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बायस्ड रिव्यू होने वाला है, जिन्होंने गाड़ी खरीदी है तो वो ये नहीं है कि आपको झूठ बताएंगे। मैं आपको एक बार बैजिंग भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग ये ना कहें कि हम टर्बो वेरियंट ड्राइव कर रहे हैं। अगर टर्बो वेरियंट ये होता तो आपको इस पर यहाँ पे स्टीकर लगा मिल जाता टर्बो वेरियंट का। तो ये नॉन टर्बो वेरियंट है, ड्यूअल टोन कलर में XV वेरिएंट है दोस्तों, 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में। फ्रेंड्स, अभी गाड़ी के अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि कितने बंदे गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं लाइव। एक सिंगल कट में मैं आपको दिखाता हूं। अंकल बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर, एक भैया आगे बैठे हुए हैं और एक भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं पीछे, और फोर्थ बंदा मैं खुद हूँ। अब हम लेके चलेंगे गाड़ी को हाईवे पे और देखते हैं क्या परफॉर्मेंस इस गाड़ी की अभी होने वाली है। कोई भी एडिट में यहाँ पे नहीं करूंगा, आपको सिंगल कट में हम ये शूट करके दिखाने वाले हैं और अंकल आपको अपना एक जेन्युइन रिव्यू देंगे कि फिलहाल गाड़ी का जो उठान है वो कैसा है। नहीं, ये तो खुली हुई है। वो विंडो बंद कर लो आप अपनी उम्र। बंद कर दूं मैं? अभी जो भी इम्प्रेशंस आप लोगों के लिए होंगे, अंकल जैसे ड्राइव कर रहे हैं आप देख सकते हैं, सामने एकदम ओपन बढ़िया हाईवे है। तो यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस अंकल का होगा वो हम लोगों के साथ साझा करेंगे इस वीडियो में कि फिलहाल वो उनका क्या एक्सपीरियंस। साथ ही साथ दोस्तों आपको गाड़ी का माइलेज भी हम दिखाएंगे कि माइलेज ड्रॉप होता है या नहीं। अंकल जैसे अभी हम चार बंदे बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर और हाईवे पे गाड़ी आपने डाली हुई है, तो अब आप जो भी फील करें गाड़ी ड्राइव करते हुए, आप अपना एक जेन्युइन रिव्यू साथ के साथ लाइव हमारे व्यूवर्स को जरूर बताएं। अभी मैंने टॉप गियर इसका लगाया है और अब मैं देखता हूँ हाईवे पे इसकी स्पीड की क्या पोजीशन होती है, क्या पावर में कुछ फर्क आता है नहीं। अब मैं भीड़ से थोड़ा बाहर आया हूँ और मैं इसको आपको 80-90 तक भी आपको स्पीड दिखाता हूँ जी। दोस्तों ईयरफोन का यूज जरूर करें अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि आपको एक क्लियर पता चल सके कि केबिन में कोई नॉइस तो नहीं आती है हाई स्पीड पर जाने के बाद, या जो भी इंसुलेशन इस गाड़ी के हैं वो सब आपको तभी पता चलेगा जब आप ईयरफोन का यूज करेंगे। मैं इस वीडियो में ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा बात करूंगा तो आपको इंजन की जो साउंड है उसका कुछ भी नहीं पता चलेगा। इसलिए मैं चुप ही रहूंगा और आपको लगातार इस वीडियो में दिखाऊंगा जो फिलहाल हम ड्राइव कर रहे हैं इस गाड़ी को, तो क्या एक्सपीरियंस निकल के आता है। फ्रेंड्स, अभी हम 90 पे ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी हमारी टॉप गियर में है। अंकल क्या फील हो रहा है आपको, ज्यादा टाइम ले रही है गाड़ी 90 तक जाने में या नॉर्मल? जो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल गाड़ी की तरह 90 तक पहुंच गई है गाड़ी जी। हल्का सा एक्सीलेटर देने में, अभी आप 80-85 पे हैं, मैं और एक्सीलेटर देता हूँ हल्का सा दिया है, ये देखिए एकदम 90 पे सुई आ गई। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार जूम करके, अगर अंकल इसके स्टेयरिंग की बात करें, जैसे अभी आप इसे 90 तक लेके गए हो, तो आपको क्या लग रहा है स्टेयरिंग लाइट? लो गियर में भी सेम ही था और हाईवे पे भी सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। नहीं, मेरे पूछने का मतलब ये है कि स्टीयरिंग ज्यादा लाइट तो नहीं हो जाता? नहीं, है नहीं, ज्यादा लाइट नहीं है, जो होना चाहिए
चिपकता हुआ वो है, क्योंकि ज्यादा लाइट में भी ना हाईवे पे इस बैलेंस होने का वो रहता है। जी जी, ये ठीक है, ये मतलब भग नहीं रहा है कहीं। और गाड़ी में बॉडी रोल आपको महसूस हो रहा है या नहीं? बॉडी रोल तो कोई नहीं महसूस हो रहा है, और इसे ड्राइव लग रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है किसी तरीके की। ठीक ठीक। और अंकल ब्रेक्स की अगर बात करें तो ब्रेक्स पे आपको क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है कि एबीएस कैसे काम कर रहे हैं गाड़ी के? कॉन्फिडेंस के साथ लग रहे हैं ब्रेक, ब्रेक में कोई परेशानी नहीं है। मैं बहुत नजदीक भी मार रहा हूं और पहले भी मार रहा हूं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अभी आप ये बताओ, जैसे अभी हम गाड़ी ट्रैफिक में चला रहे हैं और लो गियर में है, तो अभी आप क्या फील कर रहे हैं इसकी पावर से रिलेटेड भी? आप मतलब जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना पिछले जो आप एक घंटे से ड्राइव कर रहे हैं, वो शेयर कीजिए व्यूअर्स के साथ। मैंने जो ये मैं इस टाइम 8% चला रहा हूँ जी, निशान बैंक नाइट, ऐसा कोई महसूस नहीं हो रहा कि मैं नई गाड़ी पे ड्राइव कर रहा हूँ। और भीड़ में भी आप देख रहे हैं कि किस कदर भीड़ है, पहले और दूसरे गियर में गाड़ी चल रही है, गाड़ी को उठाने में कोई परेशानी नहीं है, गाड़ी की ब्रेकिंग में कोई परेशानी, गाड़ी की स्टीयरिंग में कोई परेशानी नहीं है, आराम से चल रही है। और रही बात एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस तो थोड़ा सा गाड़ी जब तक हाईवे पे नहीं जाती है और 80-90 गाड़ी नहीं जाएगी तो थोड़ा उसकी वॉइस पे भी महसूस होगा तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है इन केस आने वाले टाइम में इसका माइलेज भी अच्छा होगा, वॉइस भी अच्छी है, इंजन में कोई साउंड नहीं है, किसी तरीके की कोई वाइब्रेशन नहीं है, गियर शिफ्टिंग में कोई परेशानी नहीं है, ब्रेक लाइन में कोई परेशानी नहीं है, इजीली ग्रे चेंज हो रहे हैं गियर। और जो आप इसका क्लच जो फील कर रहे हैं, ये क्या फील हो रहा है आपको? शॉर्ट क्लच है या महसूस हो रहा? सॉफ्ट क्लच है, ना ज्यादा सॉफ्ट है ना वो है, जो होना चाहिए वो है, सही गियर शिफ्टिंग हो रही है, कोई परेशानी नहीं हो रही किसी तरीके। ठीक है दोस्तों, अभी हम गाड़ी को थोड़ा हाई स्पीड पे भी लेके जाएंगे, थोड़ी देर बाद हाईवे आने वाला है और हाई स्पीड पे जब गाड़ी चलाएंगे तब आपको एक रियल फीडबैक मिलेगा इसके स्टीयरिंग का, क्योंकि हाई स्पीड पे स्टीयरिंग कितना हैवी होता है वो भी अभी पता चलने वाला है। अगर आप ईयरफोन यूज कर रहे हैं तो शायद आपको जो केबिन में नॉइज है उसका पता चल रहा होगा, नॉइज नहीं बोल सकते इसको क्योंकि ना के बराबर ही है, काफी रिफाइन इंजन है, हमने वाइब्रेशन टेस्ट भी किए थे, आप लोगों ने देखा था, इतना रिफाइंड इंजन है ये 1000cc का, और कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं हो रही है। अभी जो अंकल गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं एक बार उनसे भी पूछते हैं कि क्या उनको गाड़ी अंडर पावर लग रही है या नहीं, तो अंकल एक बार अपना आप इम्प्रेशन बताएं व्यूवर्स को। अंडर पावर तो नहीं कह सकते, 1000cc इंजन है तो और SUV की जो बनिस्बत है वो तो कम है, लेकिन ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। AC भी ऑन है और 40-45 की स्पीड पे भी टॉप गियर में गाड़ी इजीली ड्राइव हो रही है, कोई नॉइज नहीं है, कोई नॉकिंग नहीं है इंजन के अंदर, और ठीक ठाक चल रही है, स्मूथ है, सस्पेंशन बहुत अच्छा है, जैसे छोटी गाड़ी उस हिसाब से ऐसा लगता है कि बड़ी SUV चला रहे हैं, गाड़ी पूरी झूले की तरह महसूस हो रही है, और अच्छा है, इसमें गड्ढे वड्ढे ज्यादा नहीं महसूस हो रहे हैं जैसे छोटी गाड़ियों में होते हैं, डिजायर में या छोटी i10 या i20 में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा अंकल ये भी बताओ, जैसे अभी आप ड्राइव कर रहे हो पिछले 30 किलोमीटर से गाड़ी को और हम चार जने बैठे हुए हैं, तो जब रोड थोड़ी खाली होती है और आपको थोड़ा सा एक पुश देना होता है गाड़ी को, तो तब आपको क्या फील हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं फील हो रहा, पेट्रोल की गाड़ी है, आराम से उठती है, किसी भी गियर में उठा लें। अभी मैंने अभी बताया कि 40 किलोमीटर की स्पीड पे भी टॉप गियर में आराम से उठ रही है गाड़ी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जब हमारी गाड़ी टॉप गियर में है और 2000 RPM पे हम इसे ड्राइव कर रहे हैं, तो गाड़ी हमारी अराउंड 60 की स्पीड पे 2000 RPM पे टॉप गियर में होती है। अभी हम गाड़ी को 80 पे लेके जाएंगे और देखते हैं तब कितने RPM इस गाड़ी के होते हैं। ढाई हजार RPM पे हमारी गाड़ी 75-76 के आसपास चल रही है और साथ साथ चढ़ाई भी है, और आप देख सकते हैं कि हम स्लोप पे हैं गाड़ी के, अभी स्लोप पे हमारी गाड़ी लगातार चल रही है, ये अभी फ्लाईओवर आया हुआ था। अब RPM देखो जी,
ये हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट आरपीएम निकल के आ रहे हैं। 2500 आरपीएम पे हम अपनी गाड़ी को रन करते हैं तो 80 की स्पीड हमारी गाड़ी की होती है। और अगर हम माइलेज शो करें इस टाइम पे आपको, लगातार हम वही स्पीड मेंटेन किए हैं और अभी जो माइलेज हमें मिल रहा है वो 16.6 किलोमीटर पर लीटर का मिल रहा है। अंकल अभी कुछ कहना चाहेंगे आप व्यूवर्स को, जो हमारे व्यूवर्स निसान मैग्नाइट नॉन टर्बो इंजन लेना चाहते हैं उनके लिए आपकी कोई सलाह है? मेरी सलाह तो यही है कि इतने पैसे में इतने सारे फीचर आपको मिल रहे हैं, अच्छा माइलेज मिल रहा है, और जैसे कि एनसीआर में डीजल 10 साल की लाइफ रह गई है और पेट्रोल की 15, तो 5 साल का आपको बेनिफिट ये मिल रहा है पेट्रोल की गाड़ी लेने में, और चलाने में स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है, लगता है महसूस होता है कि अच्छी बड़ी एसयूवी चला रहे हैं। सस्पेंशन बहुत अच्छा है, कोई अभी तक हमें फील नहीं हुआ है, लगभग हमने 45 किलोमीटर का लगभग सफर कर लिया है। इतने पैसे में कुल मिला के निशान की मैग्नाइट अच्छी है और इसके आने वाले टाइम के फीचर भी अच्छे लग रहे हैं। जैसे आप महसूस हो रहा है, जैसे अभी आपने गाड़ी परचेज करी है और आप इतनी चला रहे हो और आपका ये फर्स्ट फीडबैक है इस गाड़ी को लेके, तो आपका जो ये फीडबैक निकल के आ रहा है, क्या आपकी सलाह मान के लोगों को गाड़ी ले लेनी चाहिए? मेरी सलाह तो यही है क्योंकि अभी तक मैंने 45 किलोमीटर का सफर किया है, मुझे कोई जरा सी भी परेशानी किसी भी तरीके की नहीं हुई है। जी जी, भीड़ में भी चलाई, हाईवे पे भी चलाई है, ब्रेक भी मैंने लिए है, एसी भी ऑन है मेरा, सब कुल मिला के एवरेज भी लगभग 18.2 तो आ ही चुका है जी। और ये थोड़ा सा और चलने पे थोड़ा साफ रास्ता मिल जाएगा तो अबाउट 20 पर किलोमीटर ये आपको आराम से दे देगी, जो इतनी बड़ी गाड़ी के लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है जी। क्योंकि 18 और 20 का जो 800 है मारुति की, वो भी नहीं निकाल पा रही है ढंग से, ये भीड़ में 18.5 का एवरेज आ चुका है अब तक। अब इस वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं और जानते हैं कि आपको निसान मैग्नाइट का नॉन टर्बो वेरिएंट परचेज करना चाहिए या नहीं। अब आज की वीडियो अगर आपने शुरुआत से लेकर एंड तक देखी है तो ओनर ने खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, एक ट्रू एक्सपीरियंस उन्होंने हम लोगों के साथ शेयर किया है कि चार बंदे बैठने के बाद गाड़ी कुछ 40-50 किलोमीटर चलने के बाद उनका जो एक्सपीरियंस था वो उन्होंने हमको लाइव एकदम बताया है। साथ ही साथ अगर आपको मेरा रिव्यू देखना है कि ये गाड़ी ड्राइव करके मुझे कैसी लगी, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप मेरा रिव्यू भी देख सकते हैं नॉन टर्बो वेरिएंट का, जो मेरे अपने ड्राइव इंप्रेशन हैं। माइलेज टेस्ट की वीडियो भी मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी है नॉन टर्बो वेरिएंट की, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों अब तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, थैंक यू वेरी मच।